ग्यारहवीं क्लास में पढ़ता था और हमारे जो डीपी थे उन्होंने बोला कि भाई आज आपकी सबकी ट्रायल है रनिंग के लिए, तो मैंने बोला कि मेरा नाम भी लिखो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं भाग पाओगे। मैंने उसको चैलेंज स्वीकार किया और मैं जो नॉर्मल बच्चे थे उनको सबको बीट किया, मैं फर्स्ट आया और सब मेरे बाद में रहे। तो उससे मेरे को लगा कि फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट गए, स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी मैं पहली बार में ही सेकंड आया। फिर मैं अपने कोच के पास गया, मैंने कहा मेरे को ट्रेनिंग करनी है, स्पोर्ट्स करना है। मेरे को पता नहीं था भाई पैरालंपिक होता है, मैं जनरल में ही खेला हूँ, स्कूल नेशनल खेला हूँ, स्कूल स्टेट खेला हूँ, स्कूल स्टेट में भी हमारे मेडल हैं। अगर मेरे को शायद थोड़ा पहले पता लगता तो आज मेरा ओलंपिक में भी मेडल होता। स्पोर्ट्स को पैरा नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं जानता था पहले, और मैं अकेला खिलाड़ी था यहाँ से जो मैं बुसान 2002 एशियन गेम में गया, और हमें अपने पैसे दे के जाना पड़ता था। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी खिलाड़ियों के लिए, और इसको हरियाणा गवर्नमेंट से पिछले 15 साल में लड़ाई लड़ने के कारण सब कुछ बराबर करवाया। मीडिया को ऐसे ही पैरा स्पोर्ट्स को दिखाना चाहिए जैसे ओलंपिक को दिखाते हैं, ऐसे ही मीडिया को उनको हाईलाइट्स करना चाहिए, पेपरों में भी, न्यूज़ में भी, टीवी में भी, सब जगह ये हाईलाइट करना चाहिए मीडिया को भाई कि ये भी अच्छे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। अगर मीडिया ऐसे करेगी तो और अच्छा होगा स्पोर्ट्स का, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे।